व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? इंटरफेरॉन्स आर बेसिकली एंटीवायरल प्रोटीन्स। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये वायरल मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देती, इंटरफेयर करती हैं विद वायरल मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, साइज़ इनका 15,000 से 30,000 किलो डाल्टन तक होता है। हीट स्टेबल होती हैं, यानी जितनी मर्जी हीट आ जाए ये उसको फेस करती हैं, और रेजिस्टेंट होती हैं टू लो पीएच। लो पीएच भी हो तो इंटरफेरॉन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्यूट और शॉर्ट टर्म इन्फेक्शंस में इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको फर्दर ये ख़राब नहीं करती। होस्ट स्पेसिफिक होती हैं, यानी जो इंटरफेरॉन्स ह्यूमन के लिए हैं, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वो नहीं हैं। लेकिन ये वायरस स्पेसिफिक नहीं होती, किसी भी किस्म के वायरस पे अटैक करती हैं। थ्री टाइप्स की हैं इंटरफेरॉन: अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। जो अल्फ़ा और बीटा होती हैं ना, ये बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। जिन सेल्स को वायरस ने इन्फेक्ट किया होता है उनसे ये प्रोड्यूस होती हैं, और वहाँ से चली जाती हैं नेबरिंग सेल्स में। ये क्या करती हैं, नेबरिंग सेल जो महफूज होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करती हैं कि वो एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करें ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इंटरफेरॉन गैमा ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करती हैं, न्यूट्रोफिल्स टू किल बैक्टीरिया। न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर दें। सो इंटरफेरॉन्स क्या हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं जो कि इंटरफेयर करती हैं वायरल मल्टीप्लिकेशन के साथ।